नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करती, लेकिन जब कभी कार्यकर्ता निराश होता है तो पार्टी छोड़कर ऐसे भागता है कि दोबारा पलटकर ही नहीं देखता है। खैर, यह तो पार्टी और नेताओं का लगा ही रहता है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। लेकिन आज हम किसी प्रत्याशी या किसी बागी प्रत्याशी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बिंद के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला की, जो बिंद सहित पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग ही छाप बनाए हैं। वही विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। विकास की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे राजेंद्र शुक्ला को किस तरह से पार्टी लॉलीपॉप देती आ रही है, जबकि राजेंद्र शुक्ला का बिंद की राजनीति और बीजेपी की जीत का अहम चेहरा है, और किस तरह से पार्टी को उनके दबदबे का डर है, किस तरह से पार्टी में उनकी पैठ है, किस तरह से कोई भी बीजेपी में प्रदेश स्तरीय पद की बात होती है तो राजेंद्र शुक्ला का रीवा से नाम आता ही आता है। यह रीवा की जनता के लिए गौरव की बात है कि उनके जनप्रतिनिधि का नाम हर एक पद के लिए आता है, लेकिन कसर कहां रह जाती यह तो पार्टी जाने या फिर स्वयं राजेंद्र शुक्ला ही जाने। चलिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राजेंद्र शुक्ला जब से कमलनाथ की सरकार को गिराकर शिवराज सरकार बनी, उसके पहले भी, तब से लेकर अब तक केवल उनका हर एक पद की रेस में नाम ही आगे रहता है, लेकिन आज तक विधायक के विधायक ही रह गए। खैर, वह विधायक रहते ही पर्याप्त। जब कमलनाथ सरकार थी तो राजेंद्र शुक्ला को शिवराज सिंह चौहान का करीबी बताकर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और राजेंद्र शुक्ला एक बार फिर यहाँ चूक गए। लेकिन जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी, उस समय राजेंद्र शुक्ला का नाम गृह मंत्री और यहां तक वित्त मंत्री बनाने तक में था, लेकिन कसर कहां रह गई कि वह वित्त और गृह मंत्री तो छोड़िए, मंत्री भी नहीं बन पाए किसी विभाग के। जब बात आई विधानसभा अध्यक्ष बनाने की, तो बिंद से विधानसभा अध्यक्ष बनना तय था, क्योंकि बिंद से मंत्री नहीं बनाए गए, तो पूरी संभावना थी कि बिंद से विधानसभा अध्यक्ष जरूर होगा, और उसमें तीन दावेदार थे, गिरीश गौतम, राजेंद्र शुक्ला और सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला। कभी केदारनाथ शुक्ला का नाम आगे चलता तो कभी राजेंद्र शुक्ला का नाम आगे चलता। यही आगे पीछे के चक्कर में बीच में मजा मार ले गए गिरीश गौतम और बन गए विधानसभा अध्यक्ष। एक बार फिर राजेंद्र शुक्ला यहाँ पर चूक गए, फिर पार्टी ने उन्हें कुछ आगामी लॉलीपॉप देकर मना लिया हो। फिर बीच बीच में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती रही, राजेंद्र शुक्ला के मंत्री बनने के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन अभी भी वो पूर्व मंत्री और वर्तमान रीवा विधायक ही है। बीच में एक बार प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की सुगबुगाहट तेज हुई थी, जिसको लेकर राजेंद्र शुक्ला का नाम सबसे आगे था, लेकिन ना तो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और ना ही राजेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन पाए। लेकिन बिंद और रीवा की जनता के लिए यह बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उनके जनप्रतिनिधि का नाम आता ही आता है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला का प्रदेश की राजनीति में दबदबा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक दावेदारी में उनका नाम सबसे आगे रहता है। वही विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सरकार में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। वही कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मिले, जिसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी 4 सीटें खाली हैं, जिसमें 3 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक बार फिर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का नाम फिर से चर्चा में है और सबसे आगे है। और रहे भी क्यों ना, क्योंकि मंत्री पद के दावेदार हैं और कद्दावर नेता है, लेकिन यहाँ की जनता और उनको चाहने वाले बिना मंत्री रहे भी उनको उतना ही मानते हैं। लेकिन अमित शाह की गाइडलाइन थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, वही मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण को भी साधा जा सकता है। जहां राजेंद्र शुक्ला शिवराज सरकार में मंत्री थे, रीवा के विधायक, 2003 में पहली बार राज्य मंत्री बने थे, फिर 2008 और 2013 में भी मंत्री रहे। प्रबल दावेदारी के बावजूद भी इस बार मंत्री नहीं बन सके और शिवराज सरकार के खेमे से माने जाते हैं, और राजेंद्र शुक्ला जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति ही ऐसा घूंट पी सकता है कि बार बार नाम आए दावेदारी की, लेकिन मंत्री न बन पाए। खैर, इस बार क्या फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा को डर है कि बिंद में भाजपा कहीं चूक न जाए। इससे पहले राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाना चाहिए और उनका उनके क्षेत्र में इतना दबदबा है कि मंत्री पद के फिर से एक बार रेस में है,
आपकी क्या राय है, राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाना चाहिए या फिर पार्टी उन्हें मंत्री बनाएगी? राजेंद्र शुक्ला मंत्री न रहकर भी उतने ताकतवर हैं जितने मंत्री रहकर। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ।